आवा पास बात करला कक्षा 11 राजस्थान साहित्य विषय अध्याय 19 जिनका नाम है युद्ध और जिन्होंने लिखा रहा है आदर जोग सत्य प्रकाश जी जोशी। इन वीडियो में आप बात कराना सबसे पहला लेखक परिचेरी फिर पाठ परिचेरी और फिर उन पाठ रहे सार रही। तो आओ आप बात करा सबसे पहला लेखक परिचेरी। सत्यप्रकाश जोशी आधुनिक राजस्थानी काव्य परंपरा रा नेताओं के भी माने जा कौन है सत्यप्रकाश जी जोशी। आप जन्म 20 मार्च 1926 रे माए जोधपुर में पंडित मोहनलाल जोशी रे घरे होयो हो। कद बेटा 20 मार्च 1926 कटे जोधपुर जिले में। और पिताजी का नाम पंडित मदन मोहनलाल जोशी। साहित्य संगीत साधना संस्कार आपने आपरे पारिवारिक परिवेश में मिला। आप जसवंत कॉलेज जोधपुर से हिंदी में एमए करी और सन 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परिस्थितियां ध्यान में रखा था। आप एक कविता लिखी जिनो नाम हो जय होगी उनकी ही रण में। दूसरे विश्व युद्ध दौरान आप कविता लिखी के नाम हो जय होगी उसकी रण में आप यह पहली कविता मानी जावे। इन कविता ने जोधपुर राजधानी से पुरस्कार मिलियो। घर से मिला राजस्थानी भाषा रा संस्कार लोकगीत और भजना रा चाव आपने राजस्थानी गानी मोड़ दियो और आप राजस्थानी में रचना करनी शुरू कर दी ही। सत्यप्रकाश जोशी की कविता में इन्हीं कारण लोक शैली का प्रभाव नजर आवे है। पढ़ाई पूरी हुई आप नौकरी सारू बम्बई गया उठे सुपाचा आप रूपायन संस्था बोरुंदा रूपायन संस्था कटे बोरुंदा में बेटा ध्यान रखिए बेटा काम संभाले पर छोटा पाचा बम्बई जा पू गया और बैठे एक कॉलेज में प्राध्यापक की आप नौकरी करन लग गया है। उठे रहे था कहीं राजस्थानी भाषा और साहित्य की सेवा करता रहा। उठे से आप कहीं हरावल नाम री पत्रिका है उन आप संपादन करियो प्रकाशन करियो और सेवानिवृत्ति पाचे आप जोधपुर आया अमेरिका भी रहा और 26 अप्रैल 1990 दिन आप जयपुर में कहीं स्वर्गवास हो गया रामशरण हो गया। आप कवि सत्यप्रकाश जोशी री साहित्य साधना बेजोड़ रही है। आपरी 6 पोथियां छपी जकीन बांध है सशस्त्र धारा 56 में राधा 1960 में छपी दीवा क्यों कांपे 1962 में छपी और बोल बारमली 74 में छपी गांगे 85 में इंगला हुई सोन मिर्गला। इन अलावा आपरी कई कविता निबंध गद्य रचना और अनुवाद भी छपीड़ा है। कवि सत्यप्रकाश जोशी री बोल भारमली याद रखिए बेटा कई नाम रचना रो बोल भारमली कृति माते केंद्र साहित्य अकादमी नई दिल्ली से राजस्थानी पुरस्कार मिलियो हो। सत्यप्रकाश जोशी रचना की विशेषता वारी भाषा की सहजता संगीतात्मकता और लयबद्धता है। शब्दों विशेष प्रयोग करवानी आठ आपरी भाषा ने फुटरी बनावे है। अब आप बात करें पाठ ब्रिज राधारी। सत्यप्रकाश जोशी रचना में राधा एक विशेष रचना है कौन सी राधा। सशस्त्र धारा रचना में तो हिंदी की कविताओं है पर राधा नाम की जिसकी रचना है वह पूरी पूरी फकत राजस्थानी री है। इन्हें मैं कितना खंड है 20 खंड है बेटा राधा में कितना खंड है 20 जिन्हें नाम का ही है मुरली पहला पहल पूजा दर्शन पिणगटे माखणे बदनामी तिर से गोर्धन ब्याव रास रूसणो होली विद्या ओलू रुकमणी घनश्याम वियोग जिकना वियोग भी कैस का पालनो और युद्ध। तो जकी आप काव्य रचना पढ़ रहे युद्ध ना बाकी है राधा जो खंड काव्य है बिंगो ये एक अंश है। कृष्ण भक्ति परंपरा में राधा ने कृष्ण की प्रेमिका तो स्वीकार करी जी है पर इन्हें साथे साथे वह आज शक्ति रो प्रतीक भी मानी गई अवतार भी मानी गई है। राधा और कृष्ण आदर्श प्रेमी है जठे कोई काम रो भाव नहीं है यानी भक्ति परंपरा रो एक जगह पुरुष मानस का बहुत दृष्टांत बैठे अलग गद्य पद रचना दोनों और प्रेम ने लिखी जी है। राजस्थानी काव्य परंपरा यही नहीं ओली में अछूती नहीं रही अठवीं रचना लिखी गई है। आधुनिक राजस्थानी काव्य परंपरा की रचना राधा और कृष्ण प्रेम ने नूए रूप में शामिल लिया बालपने रे प्रीति ओली शामिल है जी पर जब राधा सुने के
कृष्ण री फौजा युद्ध सारू बेरोगी है, तो बा संदेश भेजे के थारी फौजा ने पाछी मोड़ ले, युद्ध ना कर। राजस्थानी काव्य में युद्ध में मरनो अमरता रो प्रतीक माने जावे है, इन्हें मरण पर्व कही जाए। पर अठे कवि एक नुए सुर में युद्ध रो विरोध करता था, कहा युद्ध रीत की विभिषकता, युद्ध रो नुकसान है हानि है उन रो प्रणाम करे। राधा कृष्ण ने युद्ध करने से रोके है, धर्म समाज संस्कृति और मिन के सारा सारो युद्ध कितनो नुकसानदायक हुए, कितनो नुकसान हुए बिनो वर्णा बा बतावे बिनो वर्णन भी करे बा। कवि एन बात ने राधा कावेरी ने युद्ध खंड में समझावण की कोशिश करी है। मान के ने युद्ध सु विरक्त करने वाला संदेश मानवतावादी संदेश माने जावे, जिको कभी आप रीन कविता रे माध्यम सु देवनो चावे। तो अब बात कराला युद्ध काव्याश्री। मंदरा का नाम मीत रे कुन थारा दोन कुन रे सेन, राता लवन क्यों बाकी बुहड़ी, धारण क्यों करिया रे कड़ियाल, छोड़ा पीतांबर क्यों रे सोहना, शीश बचावन क्यों तिरसान, मोड़ क्यों उतारा मोरे पंखरा, मुरली रे बदले कर को दंड, चीर मीरी माला आगी क्यों धरी। तो कृष्ण जी को युद्ध सारूप जी को अपनी वेशभूषा में बदलाव करे, बिना देखे राधा चौंक जावे, अरे ओ कहीं है ओ कहीं करे थे जो कि तारी वेशभूषा में तो बदलाव क्यों है। कहे के मंदरा का नाम मित्र है, कौन थारा दुश्मन है, कौन थारा मित्र है, क्यों थे युद्ध कर रहे हो, क्यों राता की नींदा खराब कर रहे हो थे, क्यों थे शस्त्र धारण कर रहे हो, जड़तार पीतांबर वस्त्र धारण करो, मर्दो कड़ियाल धारण कर रखे, मोर पंख है बे मुकुट उतार दिए थे, और मुरली बदले कहीं कर रखे थे, धनुष बाण वगैरह वगैरह थे धारण कर रखे, ओ इतो बदलाव क्यों कर रहे, क्यों थे मिनख ने विनाश की ओर ले जा रहे हो। मंदरा का नाम ही तेरे जगमा जे मंडकियो घमसान है। अब राजा कहेंगे जे युद्ध होने लागो, युद्ध होयो तो दिखाण के होगा, वो देखो दिखाण। मंदरा का नाम ही तेरे जे जगमा मंडियो घमसान है, तो भाई पर भाई कर सी वार, भाई भाई ने मारा को, आपस में लड़सी मरसी मान को, और मिनख आपस में लड़ेगा। चुड़ला फोड़ेला काला ओढ़े, अमर स्वागन थारी गोपियां, थारी गोपियां की है चुड़ला फोड़ेगी, और जी अमर स्वागन है बे विदो हो जाओगी। कामणिया बिकसी बीच बाजार, जिकी नारियां है कामणकारी है जिकी बीच बाजार में बिकेगी। कुण तो उगड़ी बहना ने ढकसी, कुण थारी बहना उगड़िया ने ढके लो, कुण सार संभाल करे लो बहनारी, पृथ्वी पुरखा सु हसी हीण, और पृथ्वी मिनख रेगा कौन युद्ध से ना, आप बिना मिनखाई हो जी हीण हो जी बिल्कुल। टापर काशी बिन बाप रा युद्ध का मां, टापरा रा बाप रण खेत में काम आओगा, तो टापर बिन बाप का को आओगा बे। कुण कर सी दीवड़िया रो ब्याह, अरे बेटिया रो ब्याह कुण करे को, कुण तो कड़ुम्बो बारो साम पाल सी, आज तो बाप रण खेत में काम आओगा, बेटिया को ब्याह कुण करे, कुण बांगे जो को बाकी कड़ुम्बो है वो संभाले लो। अनगित मावड़िया देसी थाने हाय, आ टापरा जी की मावा है बे थाने हाय देसी, मुर्जा फौजा ने पाछी मोड़ ली, युद्ध में की सार कोनी, सब कुछ खत्म हो जाओगो। राधा रे मुंडे सुखे के जगत में घमसान मंड गयो, तो भाई भाई पर वार करेगो, आप सब मिनख लड़के मर जावेगा, और सारी जी अमर स्वागन गोपियां पे चूटला फोले काल उठ के बाजार में जावा ली, और कामने बीच बाजार बिके ली। उगड़ी बहना ने कुन ढाक सी, और कुन मानो ब्याह करेगो, आप पृथ्वी के बिना पुरखारी हो जासी, टापर बिल खेगा, और बारी मावा थाने हाय दिली, अजय वह तो सी फौजा ने पाछी मोड़ ले, युद्ध में की कोनी युद्ध विनाश करेगो, पूरा मान खेगो वो। मंदरा का नाम ही तेरे जे जग में मंडियो घमसान, तो कुण तो बना सी सतखंड मेले, और कुण तो चिणा सी मेली मालिया, कुण तो उकेरा मीठा गीत, कुण तो बाचे लो पोथी पानड़ा, कुण कर सी गोखड़िया में जोत, कुण तो मांडे लो आंगन मानना, कुण तो मनावे तीज त्योहार, कुण तो तुलसा घबरा ने पूज सी, अणपूजा सातु सिंजा देव, कुण तो कर सी रे मिंदर में आरती, मिटता जीवन नी तने आण, मुर्जा फौजा ने पाछी मोड़ ले। तो राधा कृष्ण भगवान कहीं कहे के तेरी फौजा ने पाछी मोड़ ले, जे घमसान मच गयो तो कुण मेल मालिया बनावेगो, कुण मेडी जिनाओगो, सतखंड में सुना रह जाएगा, और कुण मीठा गीत गाओगो, कुण पोथी पारणा बांचल मिन की नहीं बचागा, तो कुण गोखड़े में जोत करेगो कोई नहीं बचागो, और कुण है मांडेलो आंगन में मानना,
और कौन मनाओ लो तीज त्योहार और कौन गौरी तुलसा पूजा लो, सब कुछ खत्म हो जाओगे। तीज त्योहार जिसका मान मनवा रहा सब मीन के सागे चला जाओगा। और ये देवता है आगे पूजा करने करल भाई कौन तो करसी मंदिर में आरती तन मिटता जीवन की आन है सोगन है तने तू तेरी फौजन पाछी मोड़ ले इन मान खेरो विनाश ना कर तू। तो जोशी आओ कामया समय राधा ने मुंडा सुखे कि जगत में घमसान बन गयो तो मेडी मालिया कौन बनासी कौन मीठा गीत गाओ कौन पोथी पारणा बांचा लो कौन गोखड़े में जोत कर सिर कौन आंगन में मान न मंडे लो और कौन तुलसी गौरी पूजा लो कौन मिंद्रा में आरती करा लो ए देव बिना पूजा रह जाओगा। और कौन है मिंद्रा में आरती करा लो तन मिटता जीवन की आन है सोगन है तन और तू तेरे फौजा ने पाछी मोड़ ले इन मान खाने खत्म होने बचा ले तू। मंदरा काना मीते रे जे जग में मंडियो घमसान तो कोयल कुल्ला सी बागा माए नाश्ता तमसी बन में मोरिया चीला मंडरा सी हरियल खेत गिदड़ भवेला सगड़े देश पर डागने रम सी साथी उरास चौसठ जोगने खपर पूर सी धरती माता रो लागे तने सराप मुर्जा फौजा ने पाछी मोड़ ले अभी भी टेम है तू मेरी बात ना समझ। अरे इन जो मान कर तू विनाश कर चले बिंदु रोक सके क्या रोक सके जे युद्ध हो गयो तो के चीजें वागी जी कोयला बाज की गीत का मीठा मीठा बा कुल्ला वाली बागा मा अर जब बागा नाश्ता मोरी है बेबी थम जाओगा। हरियल खेतम के चील मंडरा वाली आदमी अंग जगह बूटी नोज मोज खाउन सारू और गिदड़ भवेला सगड़ा देश में सगड़ा देश में गिदड़ आदमी जिगी डेड बूटी अपन खावेला और डाकने रम सी साथी रास जटे माले गोपियां रास रचे ना बड़े डाकने आओ खपर ले लेगे मीन का खून पीन ने चौसठ जोगना खपर पूर सी धरती माता रतन लागे लो शराब और जे वह तेरी फौजन पाची मोड़ लिया धरती माता रतन शराब लागो तू मीन का विनाश को जो उतरता ही है वो तू ही वेगो जे वह तबार भी टेम में फौजन पाची मोड़ ले और मीन खाने विनाश बचा ले। तो जो सीखा है कि जग में मटो गमसान तो कोयल तो बागा में कुल्ला सी मोरिया बन में नाश्ता थम जाएगा अरे हरियल खेता में चील मंडरा सी सगला देश पर गिदड़ मोर ले गिदड़ा धूम मचावेला और डाकने राता में रसी राम रास और चौसठ जोगना खपर पूर सी खून पिएगी अर्दन धरती माता को शराब लागे वो भी गेणो मांजा अरे फौजा ने पाछी मोड़ ले अरे मान खन मिड़ासू बचास के तू। मंदरा काना मीतरे जे जग में मंडो गमसान तो भातोले भंवर सी रे भतवार हाली जे लड़वा जा सी खेत में हल री हलवानी बन सी सेल खुरपी सूरा री जड़िया बाढ़ सी मुर्दा री लोथानी नीनान लोई री पांड वैसी रेत में कामतन देसी तने गाल मुर्जा फौजा न पाछी मोड़ ले युद्ध में काई नहीं है युद्ध में काई नहीं है और युद्ध वेगो तो काई वेगो खानो लेके भातन खेत में जा गिन सर ले जाओगी बा जते हाली नहीं बचा को तो बाग खानो ले खेत में जानती बतरना भटक जाओगी और हाली खेत में रन खतर के जाओगो तो कौन सा हथियार बनसी हाली हलवानी बनसी सेल खुरपिया है वा सूरबीना जड़ा बटेगी और मुर्दा रा सिरे रा होसी निनाण है लोई सुंदरा के लाल जैसी और लुगाया तन देसी गाल जे मेरो केणो मान तेरी फौजा ने पाछी मोड़ ले और इन मान खरी विनासू बचास के तू। मंदरा काना मीत रे जे जग में मंडो गमसान तो जमुना में लोई वेसी नीर माटी रे दासी लाखा बोटियां बसी में गावा रिश्ता सूर लूला लंगड़ा पण थन लूला लंगड़ा पण थने भांड सी अणगढ़ रे दासी सगली भूम उजड़ विरंगी ओसी कोठड़िया क्यों मेटे रखवाड़ा रो नाम मुर्जा फौजा ने पाछी मोड़ ले। तो दोबारा फिर अर्ज करे कि बारी टेम है तू फौजा ने पाछी मोड़ ले अरे बहुत बड़ो नुकसान हो जावे को कौन कौन सो नुकसान है को ये कामया समय के कि जब जग में घमसान बन गयो तो जमुना पानी पिए भटकाई पिए को लोई पिए को शरीर गांव पर लाखा टुकड़ा बोटी बन बन के धरती में गड़ जावेगा अरे जगह छोटी बस्ती है बारह वीर है पे गांव किरा वागा लूला लंगड़ा बन के थाने बांड सी कि तेरा कारण में मारो हाल हो आ धरती सगली की आजड़ हो जाओगी मीन खेवागा नहीं तो उजड़ हो जाओगी और सुना हो जी मेल मालिया तेरा खवाड़ा ने क्यों मेटो नाम है खोलो नाम क्यों मेटो ए मेल मालिया गेरा वगैरह सारा यही रह जाओगा अरे मीन खन दे बचा लियो मुर्जियो फजाना थारी मोड़ लियो अरे मीन फड़ा ने बचा लियो युद्ध ने देखी रोक सको थे विनाश का ना चलो थे। मंदरा काना मीत रे आजा रे दूधा धोलिया हाथ मुर्जिया फौजा ने पाछी मोड़ ले गोरस मानसू रंगलिया होट रे मुर्जिया फौजा ने पाछी मोड़ ले
आजा गोरी ने भर ले बांध, मुर्जा फौजा ने पाछी मोड़ ले, आजा रे पिंगड़ पर कर श्या बात, मुर्जा फौजा ने पाछी मोड़ ले, आजा रे ओजू रम चारास, मुर्जा फौजा ने पाछी मोड़ ले, बाकी रे विनाश में की कौन पड़े हो, ओ मनिक जमारो बड़ो दोरो मिला है, अर दू तेरी फौजा ने पाछी मोड़ ले, आपा कहें कहें करांगा, आजा दूधा सु धोले आपा हाथ, क्यों खून में रंगे तू हाथ, दूधा धो, अरे गोरसे ने माखन रंग ले तेरा होठ, क्यों मिनकर मिनास कर चले, आजा मुर्जा फौजा ने पाछी मोड़ ले, आजा गोरी ने भर ले बांध, आ आपा रास रचांगा, आ रास रचांगा आपा, तेरी फौजा ने पाछी लिया पिंडगढ़ पर बाता करांगा, आजा रे ओजू रम से आपा रास, मुर्जा फौजा ने पाछी मोड़ ले, इन मिनक जीवन में तुको आनंद है, बोले मिनक ने विनाशु कल ना ले जा, मिनक ने विनाशु बचा, आ पूरो जो मान खो है, थारो इंतजार कर रियो है, थई सृष्टि का पालन हारो, थई रख सको, अब थे भक्षक नाग बनो, तारी पूजा नपासी मोड़ लियो, अरे मिनक जमारम कही है, आछो जस कमाओ, लोग था जुगा जुगा था याद रखेगा, अरे युद्ध कमा कुछ ही नहीं है, युद्ध यहाँ पर सके है, पृथ्वी लोग हीण हो जाओगी, मिनक बिना प्रकृति बिना जीव जंतु बिना बहुत बड़ो विनाश हो सी, इनका थारो अर्ज करूँ मैं, पूजा नपासी मोड़ ले, पूजा नपासी मोड़ ले, तो बेटा अपने युद्ध काव्यांश देखो, राधा आपरी बात अरे माध्यम कृष्ण ने युद्ध रोकना सारू जतन करे है वा, तो बाके आजा के कानन के आजा दूध चुन धोले तेरा हाथ है, और माखन चु रंगले तेरा होठ है, गोरी ने भर ले बांध, आजा आपा रमशा रास, पिंड गड़बड़ कराला मन की बात आपा, आजा फौजा ने पाछी मोड़ दे, तो आपनो राधा खंड का अंश ना युद्ध बिंगो भर ना हो, आगा पाई इन वीडियो में भाग दो बात कराला, इन पाठ रहे सवाल आ रहे पट उत्तर आ रही।